हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन पे। आज हम आप सब लोगों के लिए लाए हैं फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी रबी क्रॉप का सोल्यूशन पेपर, जिसका पेपर अभी हुआ है। बुकलेट नंबर सी है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बेली के अनुसार राई ब्रेसिका जुन्सिया का उत्पत्ति स्थान है। इसका आंसर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, भारत। क्वेश्चन नंबर दो है, आनंद ट्यूब वैरायटी है, इरिजिका की है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर तीन है, प्रॉपिंग और रैपिंग किया जाता है। इसका आंसर नंबर बी होगा, गन्ना में। क्वेश्चन नंबर चार है, साधारणता मटर की जलमांग हो ये 20 से 25 सेंटीमीटर है जल। क्वेश्चन नंबर पाँच है, जई की उचित वृद्धि के लिए आवश्यक तापमान है 15 से 25 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर छः है, सूक्ष्म पदार्थ के आधार पर चारे वाली जई कच्चा प्रोटीन पाया जाता है, इसमें 18 से 20%। क्वेश्चन नंबर सात है, सूक्ष्म पदार्थ के आधार पर बरसीम में कच्चा प्रोटीन पाया जाता है, इसमें 20 से 21%। क्वेश्चन नंबर आठ है, डिहालिंग क्रिया की जाती है आलू में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नौ है, 2020 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन था, ये भारत था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में तिलहन उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, आंसर नंबर बी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 है, तिलहन उत्पादन में वृद्धि किसके कारण हुई, ये ऑप्शन नंबर ए पीली क्रांति के कारण। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में वर्तमान खाद्यान्न उत्पादन कितना है, आंसर नंबर 320.50 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ष 2021 में गेहूं उत्पादन कितना है, इसका आंसर नंबर 110.50 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ष 2021 के अंतर्गत भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था, इसका आंसर नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर है जो 16, सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन सी भारतीय दलहन में होती है, आंसर नंबर ए मसूर की दाल में। क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे अच्छा चारा किस फसल का होता है, आंसर नंबर सी बरसीम का। क्वेश्चन नंबर 18 है, उन्नत किस तकनीकी में मटर की पैदावार होती है, लगभग ये 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मटर का मुख्य खरपतवार है, इसका आंसर नंबर ए होगा, चटरी मटरी। क्वेश्चन नंबर 20 है, अलसी की खली में प्रोटीन होती है, इसका आंसर नंबर होगा 25%। क्वेश्चन नंबर 21 है, कैच फसल है, ये कैच फसल है ये तोरिया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में गन्ना का मुख्य उत्पादक राज्य है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 23 है, चारे वाली कौन सी फसल नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करती है, इसका आंसर नंबर होगा सी जई। क्वेश्चन नंबर 24 है, डे न्यूट्रल फसल है, ऑप्शन नंबर डी सूरजमुखी। क्वेश्चन नंबर 25 है, गन्ना की मुख्य बीमारी है, इसका आंसर नंबर होगा बी रेड रॉट। क्वेश्चन नंबर 26 है, सरसों में ओरोबैंक की खरपतवार है, पूर्णता मूल परजीवी, आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, गेहूं का लीफ रस्ट को कहते हैं ब्राउन रस्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है, करनाल वांट एक बीमारी है, ऑप्शन नंबर ए फंगल डिजीज। क्वेश्चन नंबर 29 है, ट्राइकोडर्मा बीटी का उपयोग किया जाता है बीज उपचार के लिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 30 है, मसूर की फसल का महत्वपूर्ण कीट है, इसका आंसर नंबर सी होगा, फली वेदक। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज 370 प्रजाति है, ये गेहूं की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर है 32, गेहूं में सिंचाई की प्रथम क्रांतिक अवस्था है, आंसर नंबर ए हुआ सीआरआई स्टेज। क्वेश्चन नंबर 33 है, देर से बोए जाने वाले गेहूं की बुवाई की गहराई होती ये 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 34 है, हरितमा प्रजाति है, हरितमा एक जौ की प्रजाति है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 35 है,
जौ की नेट ब्लोज बीमारी किसके कारण होती है? इसका आंसर नंबर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 है, जौ की फसल पकते समय तापमान तापक्रम की आवश्यकता होती है? इसका आंसर नंबर होगा 30 सेंटीग्रेड, 30 से 32 सेंटीग्रेड होता है, 30 से 32 और कहीं पर 30 से 35 भी है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा आलू में नहीं बनता? इसका आंसर नंबर होगा पेपर। क्वेश्चन नंबर है 38, अनाज की फसलों का राजा किस फसल को कहा जाता है? अनाज की फसल का राजा गेहूं को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, नकदी फसल है, ऑप्शन नंबर ए होगा गन्ना, एक नकदी फसल है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सबसे महत्वपूर्ण पहली भारतीय दलहन फसल है? आंसर नंबर बी होगा चना। क्वेश्चन नंबर जो 41 है, उत्तर प्रदेश की कंडीशन में तीनों सीजन में उगाई जाने वाली फसल है? ऑप्शन नंबर सी सूरजमुखी। क्वेश्चन नंबर 42 है, चना में उकता रोग का कारक है? ऑप्शन नंबर ए फ्यूजोरियम ऑक्सीस्पोरम और एम स्पीसीज आई एफ और साइसेसरिस। क्वेश्चन नंबर जो 43 है, मालवीय विश्वनाथ प्रजाति है? मालवीय विश्वनाथ एक मशरूम की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 44 नंबर, तिलहनी फसल में तेल का रंग किसके कारण होता है? ये कैरोटीनाइट द्वारा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 45 है, पूसा जगन्नाथ प्रजाति है? पूसा जगन्नाथ एक प्रजाति सरसों की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 46 नंबर, सरसों की बीज दर है 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 47 है, सिंचित क्षेत्र में तोरिया फसल के लिए एनपीके की सिफारिश है 90-40-40 किलोग्राम एनपीके प्रति हेक्टेयर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है, सरसों कुल की फसलों का मुख्य कीट है? ये इसका एफिड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मॉडर्न प्रजाति है, मॉडर्न जो वैरायटी है इस सूरजमुखी की, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आलू में स्टार्च होता है? आलू में स्टार्च इसमें इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 50 है, सरसों का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? ये राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 है, आलू की बुवाई का अंतराल देर से बोने पर होगा? आंसर नंबर होगा इसका सी, 45 × 50। क्वेश्चन नंबर 53 है, आलू में लेट ब्लाइट बीमारी का कारक फंजाई है? इसका आंसर नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए पाइथोथोरा इन्फेक्टेंस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है, सस्य तकनीकी टॉपिंग संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, सरसों से। क्वेश्चन नंबर 55 है, बीटी 303 प्रजाति है? ये ऑप्शन नंबर ए होगा, सरसों की प्रजाति है। मशरूम की बुवाई का सबसे उपयुक्त समय है? मध्य अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खदराबी प्रजाति है? खदराबी प्रजाति एक बरसीम की है। क्वेश्चन नंबर 58 है, अंधी गुड़ाई किस किया जाती है? ये किस की जाती है? ये गन्ना में की जाती है अंधी गुड़ाई। क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश में वर्षाहीन क्षेत्र में अलसी की बीज दर 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है, पार्वती प्रजाति है 60 नंबर, ये मटर की प्रजाति है। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके क्वेश्चन कितने सही गए हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।